रवीन झांकिया दिखाकर देश को गौरव करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी साल हमारे अधिकारों का खनन किया जाता है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने अधिकारों की स्वयं रक्षा नहीं कर पाते। क्या कारण है? शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारे दुर्भाग्य है कि हम अपने बच्चों पर शिक्षा पर बहुत कम खर्च करते हैं, जबकि अपनी नाक बढ़ाने के लिए शादियों में हम 10 रुपये खर्च कर देते हैं। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर, इनके मुस्तकबिल को, इनके भविष्य को बनाने के लिए हमें इनके शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। आज हमारी जो स्थिति है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी स्थिति को खुद ही समझ नहीं पाते। जस्टिस सज्जन ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट के अनुसार हमारी मुस्लिमों की मेयों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, लेकिन हम मानते हैं, हम अपने आप को पता नहीं क्या महसूस करवाना चाहते हैं। हम अपने आप को दलितों से जाना कितना ऊपर समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी स्थिति दलितों से भी ज्यादा बेहतर है। क्यों है? क्योंकि हमारे शिक्षा का स्तर हमारे समाज में 0 के बराबर है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक क्वालिटी एजुकेशन जो आज इस स्कूल के माध्यम से और हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, आज जो क्वालिटी एजुकेशन जो ग्रहण कर रहे हैं, जो प्रदान जो ग्रहण कर रहे हैं, उसका नतीजा ये रहेगा कि आने वाले टाइम में जब जिस तरह से दलितों की स्थिति थी, उनको पास बैठ में नहीं दिया जाता था और संविधान द्वारा उनको आरक्षण के माध्यम से आज सबसे ज़्यादा जो भी जितने बड़े अफसर हैं, ज़्यादातर SC ST के होंगे। तो मैं आशा करूँगा कि इस स्कूल के माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चे भी IPS, RS और न जाने कितनी नौकरियों में यहाँ से निकलेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ से जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई, क्वालिटी एजुकेशन जो दी जा रही है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार रहूँगा और मैं चाहूँगा कि समय समय पर हम यहाँ आकर ऐसे से और जिस तरीके से हम मदद कर पाएंगे, वो मदद हम यहाँ करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एडवोकेट साहब ने अपनी बात को रखा।